सही पराठे खाए हैं आरती से बढ़कर। अतुल कितने पराठे खाए, स्वाद लगे? आरती कितने पराठे खाए? ये चूहिया चुंगती होती है वैसे खाती है। दोस्तों हमने एक ऑर्डर किया था सेल्फ प्लास्टिक सेल्फ 5 मंजिला, अभी अभी ऑर्डर आया और इसे हम पैक कर रहे हैं। दोस्तों हमारे यहाँ काजू में काजू हो गए थे और इसमें लग गई चीटियाँ, लग गई थी। सबके वजन आज तोले गए। आरती का है 42, अर्पिता का भी है 42, संजना का 43 है लगता है, मेरा 80 और मेरा 40 किलो। अतुल तेरा वजन कितना है? कितना? हाँ अतुल का सही है, तो हमारा 50-50 होना चाहिए। अर्पिता संजना का 50 तो होना चाहिए था, कम है। बच्चों ने पराठे खा लिए, खाना खप गया, ब्रेकफास्ट हो गया और हम अब करेंगे अपना लंच। अरे 10:30 हुए लंच, हाँ चलो लंच सही। सुनो 2 रोटी तो खाएंगे आलू की, बराबर हम पराठे नहीं आलू की रोटी खाएंगे। बहुत ही पहले भी हम आलू की रोटी खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह आलू की रोटी बनती है, आलू की रोटी बनेगी फिर हम खाते हैं। लो भाई दोस्तों हमारे लिए ये आलू की रोटी बन गई है, ले थाली ले आओ, थाली में दो यार, थाली बढ़िया होती है। वो उधर रखा है, मैं इधर ही बैठता हूँ। ये लो देसी घी के साथ ये आलू की रोटी और ये देसी घी। कटोरी दही दो डर सॉरी चालू। हेलो दोस्तों हमने एक ऑर्डर किया था सेल्फ प्लास्टिक सेल्फ 5 मंजिला, अभी अभी ऑर्डर आया और इसे हम पैक कर रहे हैं। ओपनिंग का हम थोड़ा छूट नहीं कर पाए इसलिए हम इसे बनाने का शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह ये सबसे ऊपर लगाएंगे, ये वाला तो ये 5 बना रहे हैं, 5 मंजिला है ये। फ्रेंड्स हमने ये 5 मंजिला मंगवाया था ऑनलाइन जो कि हमने तैयार कर दिया है। 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला हुआ था, तैयार हो गया सामान रखने के लिए। क्वालिटी भी ठीक है, कम पैसे में ऑनलाइन काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए कुछ भी सामान रखा जा सकता है, इसको हम किचन में रखेंगे, हम अपनी किचन में। दोस्तों हमारे यहाँ काजू में काजू हो गए थे और इसमें लग गई चीटियाँ, लग गई थी चीटियाँ लग गई थी, इसलिए हमने काजू धूप में रख दिए। और धूप से रखने से चीटियाँ दूर हो जाएंगी, फिर हम काजू होंगे उसे हम यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे यार। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, हमारी आराध्या थोड़ी का कुछ यार सीक्रेट है, देखते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आराध्या क्या क्या सुबह से रो रही है, देखते हैं क्या बात है, क्यों रो रही है पता नहीं, सुबह से रोए जा रही है। चलो देखते हैं क्या कारण है, चलो बाजार चलते हैं बाजार। भैया आराध्या हमारी सुबह से रो रही थी इसलिए हम बाजार के लिए निकल रहे हैं। चलो 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 अभी हम आए हैं मक्कड़ गारमेंट, जहाँ से हम हर बार क्लोथ लेते हैं आराध्या के लिए, आराध्या के बर्थडे पे हम
यहीं से क्लॉथ ले रहे हैं फिर से, और हर बार यहीं से हम लेते हैं क्लॉथ, और ठीक हमें वही डील कर रहे हैं अजय कुमार जी। दोस्तों हम मार्केट से आ गए थे, मार्केट से हम कुछ खास चीज़ लेके आए हैं आराध्या के लिए। आराध्या रोती रहती थी इसलिए, और आते ही देखो अंजलि ने क्या सफाई वगैरह करने बैठी, सब कुछ खलारा डाला हुआ है, सब सामान इधर उधर पड़ा है, और उधर बच्चे स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी अर्पिता संजना सब स्टडी कर रहे हैं, और ये देखो आम खा खा के इन्होंने क्या किया, सारे खा लिए आम। हाँ भाई ये लो खाओ, ये हमारा वंश आम खा रहा है, और उसमें मैंने तो भाई अपने आम खा लिया था आधा, और आधा अंजलि ने खा लिया। काफ़ी रात हो गई दोस्तों, हम बाज़ार से आके इन्होंने मैंगो वगैरह भी खा लिए सबने, सबने सारा सब कुछ खा पी के फ्री हो गए, और नाइट हो गई, नाइट का हमारा खाना भी बनने लगा। सारा खाना बनने लगा, सब्जी रोटी हमारी अंजलि ने बना ली है, हमारा वंश भी डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, अर्पिता यहाँ बैठी है, सब लोग बैठे। ठीक है दोस्तों नाइट हो गई है, हम अपना ब्लॉग यही ख़त्म करेंगे। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद, कहीं से भी पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक ज़रूर करें प्लीज़। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।